120.25 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इज इक्वल टू। तो ये बोल रहा है कि डेसिमल वाले नंबरों को क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है, क्या आपको उनका प्रोडक्ट निकालना आता है, मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कुछ एक ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो ऑप्शन भी रिलेटेड है आपस में, 2405 2405 2405, मतलब ये जानना चाहता है कि क्या आपको डेसिमल में कंपैरिजन आता है कि कौन छोटा नंबर है, कैसे डेसिमल लगता है, तो वो आपको बताना चाहिए। तो एक सिंपल सा मैं पहले एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं पहले बोला कि 2.5 × 2, तो आपको ना डेसिमल को पहले हटा देना है, 4.5 तो ये बन गया 25, ये तो 2 था, इसमें तो डेसिमल था ही नहीं पहले, जहाँ नहीं है डेसिमल वहाँ पे आगे डेसिमल होता है, लेकिन जहाँ नहीं है उसको छोड़ देना वैसे ही। तो 25 2 जा कितना हुआ 50, अब डेसिमल के बाद एक डिजिट था, एक डिजिट के बाद 5.0 इज 5, डेसिमल के बाद 0 हो चुकी है पहली बार, डेसिमल के बाद जितनी मर्जी 0 लगा दो वो 5 ही रहेगा यहाँ पे। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस बिल्कुल सिंपल है, इसमें है नहीं ज्यादा कुछ। देखो 1.25 1 12000 25 बन गया ना एक नंबर 0 0 2 का मतलब सिर्फ 2 है अगर 2 से पीछे 0 है उसका कोई मतलब नहीं 2 से आगे 0 होती 2 उसका कोई मतलब है तो इसका मतलब सिर्फ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना 5 2 जा 2 0 जा 2 2 जा 2 1 जा अब सुनो। अब अगर आपने इतना कर लिया तो आप यहाँ पे कर दिया तो डेसिमल लगाना पड़ेगा इसको देखिए। अब आपने नंबर को देखना है, जब आपने डेसिमल हटा दिया था वो नंबर है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितने होते हैं, 4 टोटल कितने हो गए डिजिट, 4 टोटल कितने हो गए डिजिट, तो बस आपने जो भी हमारा आंसर है उसमें डेसिमल को हटा दिया तो बस आपने जो भी हमारा आंसर है उसमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है 1 2 3 4, तो 2.405 2.405। अच्छा आप बोलेंगे कि जीरो तो लगाया नहीं, मैं बोला कि डेसिमल के बाद जो भी हमारे पास डिजिट है उनके बाद जीरो लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं बोलूं कि 20.000 इसका मतलब 20 है, तो वैसे ही अगर इसके बाद जीरो लगाऊं या नहीं भी लगाऊं तो भी वैसा ही नंबर है, या तो वैसा ही है, इस तरह से तो है नहीं, कौन सा सही है।